नमस्कार, मैं संदीप देव, इंडिया स्पीक्स दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना का मामला वापस ले लिया है। मनोज तिवारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मामला इसलिए डाला था क्योंकि उसका मानना था कि सेलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित निगरानी समिति की कार्रवाई में उन्होंने अवरोध पैदा किया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने एक मकान को सील किया था जिसे मनोज तिवारी ने उस सील को तोड़ दिया था। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अवमानना का मामला चला रखा था जिसे 22 तारीख को 22 नवंबर को कल वापस ले लिया गया। यहाँ दो तीन चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी नेता ने ये कहा कि आपकी जो मॉनिटरिंग कमेटी है, निगरानी समिति, वो पूरा रैकेट चलाती है, वो पिक एंड चूज की तरह तहत सीलिंग अभियान चला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने को इस पर गुस्सा आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आप इसे साबित कर दें, सिद्ध कर दें, तो हम आपको सीलिंग ऑफिसर बना देंगे। उसके बाद समय दिया गया था। मनोज तिवारी ने दिल्ली के हर उस इलाके की तस्वीर इकट्ठी की थी और उनको भेजा। जैसे ओखला, मुस्लिम बहुल इलाके में कोई सीलिंग नहीं हो रहा। दिल्ली में मात्र 64 या 65 जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, 2 नंबर प्लेटफॉर्म चौड़ा नहीं हो पाया क्योंकि बीच प्लेटफॉर्म पर मस्जिद है। दिल्ली इंडिया गेट से लेकर कनॉट पैलेस में आप पूरा चक्कर लगा लीजिए, हर तरफ आपको मस्जिद ही मस्जिद नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट के खुद के सामने मस्जिद है, मदरसा है, मस्जिद है। चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे में मजार बना हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता। मनोज तिवारी ने इसे ही लेकर सवाल उठाया था कि अगर आपको सीलिंग ही करनी है तो आप समानता का व्यवहार करते हुए, दिल्ली के सभी नागरिकों को समान मानते हुए सीलिंग कीजिए। ये क्या कि हिंदू की प्रॉपर्टी आप सील कर देंगे और मुसलमानों का मदरसा और मस्जिद अवैध होते हुए भी आपके नाक के नीचे चलता रहेगा। मनोज तिवारी ने ओखला का उदाहरण दिया इसका, और सुप्रीम कोर्ट खुद को इसमें घिरा हुआ पा रहा था। पिक एंड चूज की बात यह साबित हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर अवमानना के मामले में वो मनोज तिवारी पर कार्रवाई करते हैं तो ये जो मामला कोर्ट के अंदर है वो पूरे देश में फैलेगा। देश में ये मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति पिक एंड चूज के तहत रैकेट चलाते हुए दिल्ली में सीलिंग कर रही है। हिंदुओं की प्रॉपर्टी तो सील की जा रही है, मुसलमानों के मदरसे मस्जिद तक बीच सड़क पर, दिल्ली राजधानी के बीच सड़क पर, बीच प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की झलाहट इससे भी झलकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शब्द का उपयोग किया है जो मर्यादा विहीन माना जाएगा। अब मानना, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई कुछ कहे तो अब मानना और आम नागरिकों का सम्मान नहीं, ये तो नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कह रहा है कि मनोज तिवारी को कि मैं आपके व्यवहार की निंदा करता हूं, हम बहुत दुखी हैं, और आपने जो हमारी निगरानी समिति पे आरोप लगाया है इससे पता चलता है कि आप कितने नीचे गिर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अगर हमारी निगरानी समिति पिक एंड चूज कर रही है, अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो हम अपनी निगरानी समिति की जांच कराएं। उसके बदले आवाज उठाने वाले को वो नीच कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया है। आपको एक और बात बता दूं कि ये जो निगरानी समिति है ये 2006 में गठित हुई थी, 2006 में, आज 2018 है और 24 मार्च 2006 को, और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 की निगरानी समिति को बहाल करने का कुछ समय पूर्व आदेश दिया था। क्या 2004 से 14 तक खामोशी क्यों बरती गई थी? क्या 14 के बाद 18-17 में ही सुप्रीम कोर्ट की नींद खुली है? ऐसा लगता है कि जैसे एक अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, एक सरकार के प्रति अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है। यही कोर्ट जब मनमोहन सिंह की सरकार होती है तो खामोश रहती है, यही कोर्ट जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है तो नीचे और गिर सकते हैं, इस तरह का
लहजा यूज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपनी निगरानी समिति की जांच कराए। और ओखला, मैं खुद बता रहा हूं उनको, दिल्ली का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पूरे कनाट सर्कस जनपद सब जगह, बारखंबा रोड, कस्तूरबा गांधी रोड, 20 सड़क चौराहे पर मस्जिद बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा, ऐसा ना हो कि आम जनता में यह मैसेज जाए कि सुप्रीम कोर्ट मजहब देखकर धर्म वालों पर कार्रवाई करता है, मजहब वालों पर चुप रहता है। धन्यवाद।